आज की इस वीडियो में हम धमाल चैनल के बारे में बात करेंगे जो कि कुछ ही समय में आपके डीडी फ्री डिश का हिस्सा बन जाएगा। आपको तो मालूम ही है कि 75 ई ऑक्शन अभी हाल ही में पूरी हुई है जो कि MPH2 को लेकर हुई थी और उसमें एक चैनल का नाम आया है धमाल का जो कि ए प्लस बकेट का हिस्सा रहा है। तो बेसिकली ए प्लस बकेट को हम जो है हिंदी धारावाहिक के लिए जानते हैं और उसी पर चैनल ने पार्टिसिपेट किया है। ये श्री अधिकारी ब्रदर्स का हिस्सा रहने वाला है और फिलहाल के बारे में बात करें तो धमाल जो चैनल है वो कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं बल्कि हिंदी फिल्मों का चैनल है जिस पर कुछ क्लासिक फिल्में भी पुरानी जैसे कि जी क्लासिक पर आया करती हैं, उसी तरह की फिल्में हमें चैनल पर देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल की जो इस चैनल की कहानी है ना वो यही ब्याह करती है कि फिलहाल जो है काफी अच्छा हिंदी मूवी का चैनल है जिस पर अच्छी खासी फिल्में भी आती हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको थोड़ी बहुत टैली शॉपिंग का भी नज़ारा मिलेगा जो कि नाप तोल की रहती है। तो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट को अगर आप झेल सकते हैं तो इस चैनल पर फिलहाल अच्छी खासी मूवीज आप देख सकते हैं। इस चैनल को अभी एक्सेस करने के लिए कुछ केबल टीवी ऑपरेटर्स चुनिंदा वहां पर इसको आप देख पाओगे या फिर आपको सी बैंड का सैटेलाइट G630 अगर आपके घर पर सेटअप हो रखा है तो इस चैनल को आप फ्री टूर में देख पाओगे क्योंकि चैनल फ्री टूर है तो ऑब्वियसली आप इसको फ्री में ही देख सकते हो। बाकी डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के लिए बात करें तो इस चैनल ने जो है 1 अप्रैल की तारीख तय की है अपने आप को लॉन्च करने की। तो जब ये चैनल डीडी फ्री डिश पर आएगा तो उसी दिन से ही रिब्रांड हो जाएगा ये तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी चैनल की मौजूदा स्थिति है उसको हम आपको बयां करके बता सकते हैं कि फिलहाल जो है ये कोई एंटरटेनमेंट या कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं दिखा रहा है, सिर्फ आपको हिंदी फिल्में ही चलाकर दिखा रहा है। बाकी जो एक्चुअल तस्वीर है ना वो तो 1 अप्रैल से आसपास ही नजर आएगी, 29 या 30 मार्च के आसपास ही नजर आएगी जब चैनल को हम देखेंगे। और अगर उसमें कंटेंट सिमिलर ही रहा तो उम्मीद करेंगे कि हो सकता है कि कुछ ही समय बाद अप्रैल में चैनल का लोगो बदल जाए, कंटेंट बदल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ए प्लस बकेट में हिस्सा लिया है, इतनी भारी भरकम फीस चुकाई है तो वो इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपके लिए कुछ अच्छे खासे सीरियल ही दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ इनके कुछ अच्छे खासे खुद की प्रोडक्शन में सीरियल तैयार किए जाए, ना कि शेमारू वाला हाल हो कि कुछ पुराने सीरियल उठा लिए उन्हीं को घूम फिर के रिपीट किए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं, वो तो लोगों के लिए बोरिंग वाला सिस्टम हो जाता है, उससे कोई भी TRP हासिल होने वाली नहीं है जैसे कि शेमारू ने किया था। आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि धमाल चैनल पर किस तरह के प्रोग्राम आने चाहिए आएंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है वो आपको मैं बता चुका हूँ।